गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 8 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरण के क्वेश्चन को। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलूंगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। डियर स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण से आपके पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम भी प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बिल्कुल सिंपल और आसान होता है। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है वह कहलाता है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, यदि गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। यदि कोई भी यौगिक गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, यदि आपका विद्युत प्रभावित करने पर कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसको हम बोलते हैं विद्युत वियोजन, और यदि किसी भी यौगिक को गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसमें भी वियोजन, और विद्युत प्रवाहित करने पर यदि 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसको हम बोलते हैं विद्युतीय वियोजन। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया गैस प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया गैस प्राप्त करने में, तो नाइट्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन मैंने ले लिया 3H2 के रूप में, तो जब N2 का आप 3H2 से अभिक्रिया कराओगे तो मिलेगा आपको 2NH3 के रूप में, 2NH3 के रूप में। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया प्राप्त होता है, तो ऐसे कंडीशन में लोहा और मोलीबेडनम जो है यह आपका उत्प्रेरक का काम करता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा भी किया क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, 2FeCl2+ का Cl2 से 2FeCl3 में आपका FeCl2 क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको दे रखा है 2FeCl2 प्लस का Cl2 से आपका बन रहा है 2FeCl3। तो ऐसे कंडीशन में कौन सी क्रिया हो रही है, तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, यदि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। यदि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और यदि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो वहां पर आपका अपचयन होता है। तो 2FeCl2+ का Cl2 से जब आपका 2FeCl3 बनता है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका अम्ली कारक, यानी कि Cl2 की बात कर रहे हैं, जो आपका अम्ली कारक है वह बढ़ रहा है, तो अम्ली कारक बढ़ने की वजह से जो आपका आयरन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या एक तरीके से बढ़ रही है। तो ऐसे कंडीशन में आपका अवकारक का काम हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से है, बोला है 2HgCl2+ का SnCl2, 2HgCl2+ का SnCl2 से आपका बन रहा है Hg2Cl2, Hg2Cl2+ का SnCl4 के रूप में।
इस कंडीशन में क्या आपका हो रहा है ये आपको बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को आप देखिएगा, तो जो आपका SnCl2 से SnCl4 बन रहा है, तो SnCl2 से SnCl4 बनने पर आपका जो है ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप SN की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा और यहाँ पर आपका मिलेगा प्लस का 4। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप देखेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है यानी कि अपचयन हो रहा है। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं उपचयन और अपचयन के रूप में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से समझना। बोला है उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है। तो V2O5 का उपयोग SO2 और SO4 के रूप में होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में से कौन सी योगात्मक अभिक्रिया है, कौन सी योगात्मक अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है। तो योगात्मक अभिक्रिया में डियर स्टूडेंट दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़ करके एक नया यौगिक बनाते हैं। योगात्मक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़ करके एक नया यौगिक बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 2Na+ का Cl2, तो इससे आपका बन रहा है 2NaCl, यानी कि दो यौगिक, एक आपका Na एक आपका Cl2 जुड़ करके 2NaCl हो रहा है, यानी कि इन दोनों यौगिकों के जुड़ने से आपका एक तीसरा यौगिक बन रहा है। इस तरीके से 2Na+Cl2 2NaCl का बनना योगात्मक अभिक्रिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए बी है आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है। आपको बोल रखा है कि CuSO4+ का Fe से आपका Cu+ का FeSO4 बनता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको दे रखा है CuSO4+ का Fe से आपका बनता है FeSO4+ का Cu, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि जो आपका आयरन है कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि कॉपर के स्थान पर आयरन आ जा रहा है और जो आयरन के स्थान पर कॉपर आ जा रहा है, यानी कि जो आपका आयरन है कॉपर को प्रतिस्थापित कर दे रहा है, यानी कि कॉपर के जगह पर आयरन आ जा रहा है और आयरन के जगह पर कॉपर आ जा रहा है। तो कभी भी यदि एक तत्व किसी दूसरे तत्व को डिस्प्लेस करता है, कभी भी एक तत्व किसी दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करता है, तो वह आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, जब क्यूप्रिक सल्फेट के बिलियन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है। तो क्यूप्रिक सल्फेट के बिलियन में लोहे का टुकड़ा, तो क्यूप्रिक सल्फेट का सूत्र CuSO4 होता है, प्लस का इसमें लोहे का टुकड़ा डालोगे तो आपको मिल जाता है FeSO4+ का Cu के रूप में। आपसे यह पूछा जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो आप देखेंगे जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में आपको रासायनिक समीकरण दे रखा है, इसमें आपको उसी समीकरण को एक्सप्लेन करके लिख दिया है, यानी कि दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन यह रासायनिक समीकरण दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रासायनिक समीकरण बनाना है। इसमें भी कॉपर आपका प्रतिस्थापित हो रहा है आयरन से, इस तरीके से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 आपका है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है। बोला है समीकरण SO2 plus 2H2S, SO2 plus का 2H2S से आपका बन रहा है 3S plus का 2H2O, 3S plus का 2H2O। तो आपको बताना है किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीकरण कब होता है, जब आपकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है। तो देख लेते हैं किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखना, यहाँ पर डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो 2H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालो तो 2, उसके बाद से 2 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, सल्फर का नहीं पचा है तो 1 मान लो बराबर आपका हो जाएगा 0, यानी कि 2 प्लस का x बराबर आपको मिल जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे माइनस कर दो, यानी कि 2H2S में सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपका है माइनस कर दो, और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो 0 आएगा। तो आप यह बताओ माइनस 2 ज्यादा है कि 0 ज्यादा है, तो माइनस 2 और 0 में 0 ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो इस तरीके से आपका H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस प्रकार से है, नीचे दिया गया समीकरण SO2 का कार्य दर्शाता है, जो कि आपको समीकरण दे रखा है 2H2S प्लस का आपको दे रखा है, SO2 से आपका बन रहा है, SO2 से आपका बन रहा है 2H2O प्लस का 3S, 2H2O प्लस का 3S। तो आपको बताना है कि जो कि SO2 का कार्य दर्शाता है, इसमें आपका SO2 का कार्य कौन दर्शाता है ये आपको बताना है। तो SO2 का जो कार्य दर्शाता है डियर स्टूडेंट वो आपका ऑक्सीकरण का दर्शाता है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में ही बता दिया कि यदि आपकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीकरण होता है, और यदि आपकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो ऐसे कंडीशन में अपचयन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यस वो आपका ऑक्सीकरण का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि 2HgCl2 प्लस का SnCl2 से आपका बन रहा है Hg2Cl2 प्लस का SnCl4। तो इसमें आपको बताना है असत्य कथन कौन है, इसमें आपको बताना है कि असत्य कथन कौन है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है HgCl2 का अपचयन हो रहा है, HgCl2 का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HgCl2 का अपचयन नहीं हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, निम्नलिखित में से अपचयन अभिक्रिया है, तो चारों ऑप्शंस को आप चेक कीजिएगा, तो चारों ऑप्शंस में आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका गलत दे रखा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, प्लस का 1 प्लस, नाइट्रोजन का ज्ञात करना है तो x मान लो, प्लस का 3 भाग ऑक्सीजन है तो 3 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस का 2 होता है बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, 3 दूना माइनस 6, माइनस 6 में से 1 घटाओगे तो 5 मिल जाएगा, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 5 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस प्रकार से, Fe प्लस का CuSO4 से Cu प्लस FeSO4 में कापर होता है, तो ध्यान से समझिएगा, दे रखा है Fe प्लस का CuSO4 से आपका मिलता है FeSO4 प्लस का Cu, तो इस अभिक्रिया में Cu क्या क्या हो रहा है ये आपको बताना है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप कापर का ऑक्सीकरण संख्या देख लो, तो कापर का x मान लेता हूँ, सल्फर का कितना होता है 6 होता है, प्लस का 4 गुणे माइनस का 2 बराबर 0, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 4 दूना 8 में से 6 जाएगा 2, यानी x की वैल्यू 2 आएगा, यानी कि CuSO4 में कापर की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, और यहाँ पर कापर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यहाँ पर कापर की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि कापर का अपचयन हो रहा है, जिसको हम अपचयित के रूप में भी बोलते हैं। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस प्रकार से है, दे रखा है 2KMnO4 प्लस का 5H2C2O4 प्लस का 3H2SO4 से आपका 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस का 8H2O प्लस का K2SO4 में Mn किस प्रकार अभिक्रिया दर्शाता है, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका Mn है डियर स्टूडेंट, ये आपका एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया दर्शाता है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को आप ध्यान से समझना, बोला है कि NH4Cl को गर्म करने पर अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, जो ठंडी होकर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती है, तो यह अभिक्रिया उदाहरण है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को, बोला है कि NH4Cl को यदि हम गर्म करते हैं, तो भैया NH4Cl है इसको हम गर्म कर लेते, ये आपका गर्म का साइन है, तो मिलेगा आपको NH3 प्लस का HCl के रूप में, लेकिन जब हम ठंडा करते हैं तो NH3 प्लस HCl की अभिक्रिया से पुनः आपको NH4Cl मिल जाता है, यानी कि गर्म करने पर यदि यह NH3 और HCl के रूप में टूट जाता है, तो पुनः ठंडा करने पर NH3 और HCl से NH4Cl बन जाता है, यहाँ पर ठंडा करने पर, तो मैंने आपको बताया था यदि गर्म करने पर कोई यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसको हम बोलते हैं उष्मीय वियोजन, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस प्रकार से है, बोला है निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण एवं अवकरण के समान व्यवहार दर्शाता है, तो जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वह ऑक्सीजन ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों से समान व्यवहार दर्शाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस प्रकार से है, विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, तो अपचायक पदार्थ कौन सा है ये आपको बताना है, अपचायक पदार्थ कौन सा है ये आपको बताना है, तो देखिएगा यस प्लस का Cl2 से आपका HCl2 बन रहा है, तो इसमें अपचायक पदार्थ कौन सा है ये आपको बताना है, तो इस अभिक्रिया में जो आपका अपचायक पदार्थ है वो सल्फर है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका इस प्रकार से है, एक उत्प्रेरक, जो आपका एक उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया की गति को घटा भी सकता है, जो आपका एक उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया की गति को घटा सकता है, जो अभिक्रिया की गति को घटाता है उसको उत्प्रेरक विष कहते हैं, और जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसको उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, तो दोनों बात ध्यान में रखिएगा, जो आपका उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट यदि कोई भी उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है तो उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं, यदि कोई भी उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को घटाता है तो उसको हम उत्प्रेरक विष बोलते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर
20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, निम्न में से किस प्रक्रम में प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक रूप में किस में किया जाता है? जब अमोनियम के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में, प्लेटिनम का उपयोग अमोनियम के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका इस प्रकार से है, बोला है सोडियम पोटेशियम लिथियम, सोडियम है फिर पोटेशियम है फिर लिथियम है, उसके बाद से आपका है सीएस और आरबी, सीएस है और आरबी है। आपको यह बताना है ऑक्सीकरण संख्या सदैव होती है, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या एक होती है। देखो इसका प्रमाण क्रमांक 11 इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1, यानी बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या एक हो जाएगी। पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 8 1 होता है, यानी बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या एक होगी। बात करते हैं लिथियम का, तो लिथियम की परमाणु क्रमांक 3 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 1 होता है, यानी बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक। इस तरीके से सोडियम चाहे हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे लिथियम हो, चाहे सीएस हो, चाहे रूबियम हो, इन पांचों का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो एक होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस प्रकार से है, जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरण होता है, जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होता है तो वहां पर आपका विषमांगी उत्प्रेरण होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जब उत्प्रेरक और अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उसमें विषमांगी उत्प्रेरण बोलते हैं, और जब उत्प्रेरक और अभिकारक सेम अवस्था में होते हैं तो उसको हम सामांगी उत्प्रेरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को ऋणात्मक उत्प्रेरक, और अभिक्रिया की वेग में बढ़ोतरी करने वाले को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऋणात्मक का मतलब घटाएगा, तो सिंपल सी बात है, यदि अभिक्रिया के वेग में कमी लाता है तो ऋणात्मक, और यदि बढ़ाता है तो धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है, तो तेल के हाइड्रोजनीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो आपका विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, डियर स्टूडेंट बोला है, स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है? तो स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन आपका, स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन आपका पेटिसन एंजाइम के कारण होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, ओस्टवाल्ड से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, तो ओस्टवाल्ड से नाइट्रिक अम्ल बनाने में डियर स्टूडेंट आपका प्लेटिनम प्रयुक्त होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है? सॉरी क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, निम्न अभिक्रिया में आयरन है, तो निम्न अभिक्रिया में जैसे आपको N2, इसका मैंने ऑलरेडी एग्जांपल बता चुका है कि जब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका अमोनिया बनता है, यानी कि 3NH3 बनता है, 2NH3 बनता है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह आपका किस प्रकार से अभिक्रिया है, तो यह आपका एक धनात्मक उत्प्रेरण है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें जो यफी और मोलिब्डेनम काम करते हैं धनात्मक उत्प्रेरण का काम करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ करके अमोनिया बनता है, तो यफी और मोलिब्डेनम जो उत्प्रेरक होते हैं धनात्मक प्रेरक का काम करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, अमोनिया निर्माण की हावर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, तो
आपका आयरन और मोलिब्डेनम प्रयुक्त होता है। अमोनियम निर्माण के हावर विधि में आपका आयरन और मोलिब्डेनम प्रयुक्त होता है। जो आपका यह अभिक्रिया है ना, यह हावर विधि का उदाहरण है। तो अमोनियम निर्माण में जो आपका एफई और मोलिब्डेनम भी उपयोग होता है, ये आपका उपयोग होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेम है क्वेश्चन नंबर 27 को ही घुमाकर पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कि 2H2O2 क्वेश्चन नंबर 29 आपका है 2H2O2 जो H3PO4 की उपस्थिति में आपका बन जा रहा है 2H2O+ का O2 2H2O+ का O2 के रूप में। तो आपको बताना है H3PO4 कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका 2H2O2 जो है टूट जा रहा है 2H2O और O2 में। तो क्या हो रहा है, यानी कि अभिक्रिया की गति को घटा रहा है। इस तरीके से इसमें जो H3PO4 काम कर रहा है ऋणात्मक उत्प्रेरक का, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें आपने देखा कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है, यानी कि दो तत्वों को जोड़कर नया यौगिक बना रहा है। इसमें एक यौगिक को तोड़कर के दो अलग अलग भागों में तोड़ रहा है, यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 30 को आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है आर्सेनिक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए है। तो जो आपका आर्सेनिक होता है वो प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक 20 का काम करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है सिल्वर सल्फेट विलयन में कॉपर छीलन डाली जाती है, वह धीरे से धुल करके विलयन के रंग को पीला कर देती है क्योंकि। तो ऐसे कंडीशन में कॉपर जो है अवकरक का काम करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो ध्यान से समझना, C12H22 और O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूँ डियर स्टूडेंट कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या आपका x है, तो 12 गुणे का x हो जाएगा प्लस 22 भाग हाइड्रोजन है, तो 22 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का एक होता है, प्लस का 11 भाग ऑक्सीजन है, तो 11 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस का 2 = 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा 12x प्लस का 22 और माइनस का 22 = 0, माइनस 22 प्लस 22 कैंसिल, तो 12x = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 0, यानी कि कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से समझना। बोला है कि C12H22O11 और O11 में इन्होंने अभिक्रिया कराया है H2O से, इन्होंने अभिक्रिया कराया है H2O से, तो मिल जाता है आपका C6H12O6 प्लस का C6H12O6 के रूप में। तो आपको यह बताना है अभिक्रिया में प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक है। तो इस अभिक्रिया में प्रयोग होने वाला जो उत्प्रेरक है वो आपका इनवर्टेस है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है किसी पदार्थ से धन विद्युतीय भाग का कम होना कहलाता है। तो यदि आपका किसी पदार्थ से धन विद्युतीय भाग का कम होता है, तो इसका मतलब क्या है, किसी पदार्थ से धन विद्युतीय भाग का कम होना उपचयन कहलाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यदि आपकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो आपका ऑक्सीकरण होता है, यदि आपकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन होता है। तो बोला है धन विद्युतीय भाग का कम होना, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, यानी कि अपचयन हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी निर्माण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में निकिल उत्प्रेरक का प्रयुक्त होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है एक उत्क्रमणी क्रिया में उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है,
अग्र तथा पृष्ठ क्रियाओं की गति समान रूप से बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है केवल अग्रिम क्रिया की गति को बढ़ाना है। तो जो आपकी एक उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया की गति को अग्र तथा पृष्ठ दोनों दिशाओं में समान रूप से बढ़ाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा जो आपकी उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है वो अग्र तथा पृष्ठ क्रियाओं की गति को समान रूप से बढ़ाता है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन जो आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वह केवल अग्र दिशा में गति को बढ़ाता है पीछे नहीं, यानी कि उत्क्रमणी में आपका आगे और पीछे दोनों समान दिशा में होता है, समान दिशा में गति होती है, लेकिन अनुत्क्रमणी में केवल आगे की दिशा में गति समान होती है और पीछे की दिशा में नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका उत्प्रेरक होता है सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है H2O3 पे -2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 में H2O3 पे -2 है, इसमें आपको सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो निकाल लेते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आपका x है, तो 2 × x हो जाएगा, प्लस का 3 भाग ऑक्सीजन है, तो 3 × ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या मैंने बार बार बताया है, माइनस का 2 होता है बराबर। अब देखिएगा H2O3 पे माइनस का 2 है तो बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर यदि डियर स्टूडेंट कुछ भी ना दिया रहता, यानी कि माइनस 2 नहीं दिया रहता तो 0 लेते, लेकिन यहाँ पर माइनस 2 दे रखा है तो हम इसको माइनस 2 आपको लिखना पड़ेगा, ये ऑलरेडी मैंने पिछले चैप्टर में बना रखा है। तो इस तरीके से यहाँ से आपको मिलेगा 2x माइनस का 6 बराबर माइनस 2, तो 2x बराबर आपको मिल जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगी 2। इस तरीके से जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो आपका प्लस का 2 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 39 है और क्वेश्चन नंबर 40 है इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।